बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ साबे शफी। आज मैं आपको एक्सेल पे बैलेंस चेक शीट के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि हमारी जो भी वीडियो अपडेट होगी सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। स्टार्ट करते हैं अपना एक्सेल। एक्सेल पे जो टॉपिक मेरे पास है वो है बैलेंस चेक ड्यू डेट। अब बैलेंस चेक हम यहाँ ड्यू डेट के कैसे कर सकते हैं, जैसे आप कोई भी इंस्टीट्यूट या बैंक रिकॉर्ड आप बना सकते हैं यहाँ पर। जैसे कि यहाँ मैंने टेबल शीट आपको नज़र आ रही है, जैसे मैंने बनाई हुई यहाँ पर कि नेम ऑफ स्टूडेंट्स या नेम ऑफ एम्प्लॉयज यहाँ हमने लिखे होंगे। और यहाँ आपकी जो फीस मेंशन हो रही है कि इसे स्टूडेंट्स ने हमें 6,000 फीस इसकी ऑलरेडी है और इसने हमें 5,000 पेड कर दी है, तो बैलेंस इसका कितना रह गया है। और अगर ड्यू डेट इसकी क्रॉस हो जाती है तो उसके बाद हमें ये बता देगा यहाँ पर कि आपके पास कितने डेज ऊपर चले गए हैं, यानी कि एक दिन ऊपर हो गया है, 10 दिन ऊपर हो गए हैं, या 20 दिन ऊपर हो गए हैं, 40 दिन ऊपर हो गए हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या काम करेंगे, यहाँ पर बैलेंस निकालेंगे यहाँ पर कि किस स्टूडेंट्स का कितना बैलेंस मौजूद है। तो आपने यहाँ पर क्या काम करना है, इक्वल लगाना है। आपकी जो फीस होगी आपने माइनस कर देना है जो अभी आप जो भी स्टूडेंट ने पेड किए होंगे। एंटर करेंगे तो देखें यहाँ पर आपके पास 1,000 रुपीज बैलेंस यहाँ पर शो कर रहे हैं। इसी फॉर्मूले को हम यहाँ से ड्रैग कर देंगे ताकि ये सबके ऊपर अप्लाई हो जाए। अब देखें रिमेनिंग बैलेंस सबके आ चुके हैं यहाँ पर, 500, 1,000, 1,500, 4,200, 500, 2,000, 1,000। अब ये हमने बैलेंस मालूम कर लिया। अब हम इसके बाद यहाँ पर ये चेक करेंगे डेज लेट, या कितने दिन लेट हो चुके हैं आपकी जो ड्यू डेट होगी, यानी कि इस डेट से पहले पहले अगर ये बैलेंस क्लियर कर देगा तो हमारे पास यहाँ पर बैलेंस जहाँ डेज लेट लिखा हुआ है यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा। और अगर इसके डेज यानी कि हमारी ड्यू डेट से ऊपर चले गए हैं और इसने पेड नहीं किया तो हमें बता देगा कि कितने दिन ऊपर हो चुके हैं। तो इसके लिए यहाँ पर हम कंडीशन अप्लाई करेंगे फॉर्मूले के अंदर। यहाँ पर आपने लिखना है इक्वल टू, इफ ब्रैकेट ऑन करेंगे और लिखेंगे आप यहाँ पर डेज 360। डेज 360 के बाद आपने जब सेलेक्ट करना है यहाँ पर जो भी आपकी डेट होगी आपने इस डेट को सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपने यहाँ पर कॉमा लगाना है, यानी कि आप इस डेट से चेक करना चाह रहे हैं आज की डेट तक, यानी आज की डेट तक अगर आप देखते हैं टुडे ब्रैकेट ऑन ब्रैकेट क्लोज कॉमा लगा देंगे। उसके बाद ये आपसे पूछेगा ट्रू और फॉल्स पूछेगा, आपने यहाँ पर ट्रू ऐड कर देना है। ट्रू ऐड करने के बाद आपने ब्रैकेट क्लोज करना है और इसके बाद आपने ग्रेटर देन का साइन लगाना है और जीरो लगा देना है कॉमा। उसके बाद अगेन आप यहाँ पर लिखेंगे डेज 360 आप सेलेक्ट कर लेंगे और इसके बाद फिर आप वही अपना ड्यू डेट वाला सेल सेलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे। कॉमा के बाद आपने यहाँ पर वही आज की डेट तक आपने मालूम करना है टुडे ब्रैकेट ऑन ब्रैकेट क्लोज कॉमा, और आपसे अगेन ये पूछेगा ट्रू लगाना है तो आप यहाँ पर ट्रू सेलेक्ट कर लीजिएगा और ब्रैकेट क्लोज कर दीजिएगा। उसके बाद आपने यहाँ पर जो हमारे कीबोर्ड के ऊपर 1, 2, 3 वाले न्यूमेरिक वर्ड्स हैं इसी के ऊपर 7 के ऊपर एंड का बटन होगा, आपने शिफ्ट के साथ 7 प्रेस करना है तो आपके पास ये एंड लिखा हुआ आ जाएगा। और डबल कोटेशन के अंदर आप लिखेंगे यहाँ पर रिमेनिंग डेज, यानी कि आप अगर लिखना चाहते हैं कि जो भी आपके पास डेट आए डेज आए लिखे हुए तो उसके साथ मैंशन हो जाए कि डेज 25, इस तरीके से हमें यहाँ पर लिखना है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कोटेशन के अंदर डेज, कोटेशन क्लोज कॉमा और कोटेशन बनाएंगे और इसको क्लोज कर देंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अगर कंडीशन मैच हो जाती है तो हमारे पास रिमेनिंग डेज आ जाते हैं और अगर ड्यू डेट नहीं होती तो हमारे पास कुछ भी नहीं। तो हम यहाँ पर एंटर करते हैं। देखिए यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ आ रहा है कि आपकी जो आज की डेट है, जो आपकी करंट डेट चल रही है वो क्रॉस हो गई है, तो यानी कि 1 सितंबर इसकी ड्यू डेट थी, तो इसका मतलब 52 डेज ऊपर हो चुके हैं। अब हम इसको ड्रैग कर देंगे यहाँ से नीचे तक तो देखिए हर एक के हमारे पास डेज मेंशन होंगे। आप यहाँ पर किस तरह भी चेंज कर लें, अगर आप सितंबर की जगह अगर आप यहाँ पर अक्टूबर मेंशन कर देंगे तो देखिए आपके पास यहाँ मेंशन हो जाएगा कि 22 डेज रिमेनिंग, 51 डेज रिमेनिंग, 50 डेज रिमेनिंग। अगर आपकी ड्यू डेट यानी कि क्रॉस नहीं हुई तो देखें यहाँ पर आपके पास ब्लैंक आ जाएगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर 2019 की जगह अगर मैं यहाँ पर 2020 करता हूँ, या आप मंथ चेंज कर दें या डे चेंज कर दें, तो देखें अब मैं एंटर करूंगा, इसका मतलब अभी ड्यू डेट इसकी यहाँ पर मौजूद नहीं है। इसका मतलब अभी यहाँ पर इसकी जो बैलेंस है उसके लिए हमारे पास डेट अभी बाकी है,
तो जब ये डेट करीब आएगी तभी हम इससे फीस पेड जो बैलेंस होगा वो हम इससे क्लियर करेंगे। बाकी ये डेज से हम हमारे पास आ चुकी थी कि इनकी ड्यू डेट गुजर चुकी है, तो रिमेनिंग डेज ये हमें बता रहा है। तो बहुत इजी मेथड था कि हम बैलेंस चेक कैसे कर सकते हैं ड्यू डेट के साथ। आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिए, फ्रेंड में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शुक्रिया।